आपको बता दें कि 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में छुट्टी पर बिहार सरकार की मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मॉडल पर बिहार नहीं चलता है, बिहार के मॉडल पर देश चलता है। प्रधानमंत्री मोदी को भी कहना पड़ता है कि नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण के ऊपर जो काम किया है उसका जोड़ा देश में नहीं है और कोई राज्य नहीं कर सकता। और आपने जो सीट शेयरिंग की बात कही तो उसके पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपको सभी आप पत्रकार बंधुओं को, टीवी के बंधुओं को प्रचार प्रसार करना चाहिए कि किस तरह से 13 तारीख को पुनः शिक्षकों की बहाली हो रही है। 1,00,000 से ज़्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और उसके पूर्व में 1,20,000 से ज़्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए, तो इस तरह से और भी विभागों में हज़ारों की संख्या में बहालियाँ हुई हैं। चिकित्सा विभाग में भी बहाली होगी, नियुक्तियाँ होंगी, तो इस तरह से हमें बिहार की जनता को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि बेरोजगारी की जो समस्या है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सीमित साधन में कैसे दूर करें। जहां तक आपका सीट शेयरिंग की बात है तो उच्च स्तर पर ये निर्णय लिया जाएगा और जो मीडिया में दिखाया जा रहा कि बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि सीट शेयरिंग में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो आप सभी जानते हैं कि राजनीति में सभी पार्टियां अपना दावा करती हैं, उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग होती है और जो फाइनल यहां पर बिहार का पिक्चर इमर्ज करेगा सीट शेयरिंग का, उन्हें तो हम लोग ज़रूर बता देंगे और राजद के, जदयू के, सभी सहयोगी पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं आपको सर समय इसे बता देंगे। जी पुनः सीट शेयरिंग के बारे में तो हमने कहा देरी सर समय हो जाएगा और जब सीट शेयरिंग का नतीजे आएंगे तो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। माननीय मंत्री जी ने आपको विस्तृत रूप से इसके बारे में जानकारी भी दी है। देखिए किसी भी कानून में आवश्यकता अनुसार संशोधन होता है और हम लोगों ने जो समय समय पर सर्वे कराया है और वे पाया कि संशोधनों की आवश्यकता है पूर्ण शराबबंदी के कानून में, तो हम लोगों ने कराया। पहले नॉन अवेलेबल सेक्शन से शराब पी करके जो भी पकड़े जाते थे तो उनको हम लोगों ने, फर्स्ट टाइमर्स को जो पहली बार पकड़े जाते हैं तो उन्हें बेल की का प्रावधान किया। उसी तरह जब हम लोगों ने देखा कि जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो गरीब परिवार थे और सभी को, उसमें करीब करीब 80% लोगों को 4,00,000 का मुआवजा उन परिवारों को मिल चुका है। सतत जीविकोपार्जन योजना में जहां 1,00,000 रुपए दिए जा रहे थे उससे बढ़ा करके 2,00,000 रुपए कर दिए गए हैं और इसमें प्राथमिकता हम लोगों ने दी है कि किस तरह से जो पारंपरिक रूप से ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनको कैसे जोड़ा जाए सतत तो जीविकोपार्जन योजना से। नीरा का भी उत्पादन बढ़ा है और साथ ही साथ ये तो जो वेलफेयर मेजर्स हैं उसके बारे में हमने बताया, लेकिन साथ ही साथ जो कानूनी शिकंजा है तो एंटी लिकर टास्क फोर्स, पुलिस विभाग और एक्साइज विभाग मिलकर काम कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि अमूमन 9 वर्ष के समय हम लोगों ने काफ़ी कड़ाई की और काफ़ी लोग इसमें गिरफ्तार भी हुए और कहीं से किसी तरह की अप्रिय सूचना भी नहीं मिली। हाँ, कुछ अप्रिय सूचनाएं ज़रूर मिली हैं कि जब एंटी लिकर टास्क फोर्स के लोग कम संख्या में गए तो उन पर जो असामाजिक तत्व हैं या शराब के व्यवसाय से, धंधे से जुड़े हुए लोगों ने उस पर हमला किया, तो अब उसका भी हम लोगों ने प्रिकॉशन लिया है और जैसा कि पिछली बार हमने बताया कि पुनः डोर टू डोर सर्वे हम लोग करा रहे हैं और कराएंगे और अगले 10 से 15 दिन में एजेंसी चुनी जाएगी और उसके बाद आवश्यकता अनुसार जो भी बदलाव लाने हैं, या खास करके चूंकि महिलाओं को उससे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, उनके खाने पीने के हाथ में पैसे थोड़े ज़्यादा आ गए, खाने पीने की वस्तुएं खरीद रही हैं, वस्त्र पर खर्च हो रहे हैं, एडुकेशन पर खर्च हो रहा है, तो और एक्सीडेंट में कुछ कमी आई है, महिला उत्पीड़न में कमी आई है, आंकड़े बताते हैं। और जब भी पर्व त्यौहार होते हैं तो उस वक्त भी जो विधि व्यवस्था की समस्याएं कम रहती हैं
जो छेड़खानी की समस्याएं थी उसमें भी कमी आई है, तो फायदा तो जरूर हुआ है। शराबबंदी जब्ती बहुत पैमाने पर हो रही है, केस कम हो रहा है लेकिन जब्ती ज्यादा हो रही है। देखिए इसमें ऐसा है कि इसमें आपको भी पता है कि सिर्फ इस राज्य में इतने पूर्ण रूप से सख्ती से हम लोग शराबबंदी और नशाबंदी किए हैं और हम लोग का चारों बॉर्डर चारों तरफ से खुले हुए हैं, उसके बावजूद भी हर जगह फोर्स को रहना थोड़ा मुमकिन होता है। इसलिए आज सूचना के आधार पर न सिर्फ बिहार में लेकिन अन्य राज्यों में हम लोगों ने गिरफ्तारियां की हैं, हरियाणा में की हैं, वेस्ट बंगाल में किया है, झारखंड में किया है, उत्तराखंड में किया है, और ये गिरफ्तारियां 6000 से ज़्यादा हैं। तो अन्य राज्यों में भी हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं और ट्रायल पर भी, खास करके वैसे केसेस में जहाँ जब्ती ज़्यादा है उसका हम लोगों ने हर सब डिवीजन में ADG प्रोहिबिशन साहब को हम लोगों ने निर्देश दिया था, हर सब डिवीजन में जो इम्पोर्टेंट केस है उसका ट्रायल और जो इम्पोर्टेंट केस है उसका सर समय इन्वेस्टिगेशन पूरा हम लोग करेंगे। तो उम्मीद है कि और इसके बेहतर परिणाम आएंगे। गांव का गांव देखा जा रहा है।